ये देखिए सर, डीपी का ब्रश डॉल पर चेंज करते हैं तो हमें कैसे करना है। पहले ये पत्ती को थोड़ा जो है राइट हैंड से अंगूठे से उखाड़ना और राइट साइड से इसको प्रेस करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में प्रेस करना है, इस तरह से आएगा। और इसके लॉक हैं ब्लैक वाले, ये देखिए ये वाले, इसको हाथ से पलट के आराम से खोलना है। इस तरह से लॉक ऊपर उठ जाएंगे, उसके बाद सारा डॉल पर इस तरह घुमा घुमा के बाहर निकालना है आपको। जब ये सारा डॉल पर निकल जाएगा उसके बाद ये जो ट्रिम इसका ब्लेड है लोहे का, इसे ट्रिम बार कहते हैं, इस ट्रिम बार को बाहर खोल लेना है दोनों पेचों को। जब इसको आप ब्लेड को खोलेंगे तो इसके नीचे भी डॉल्पर निकलेगा, उसको भी आराम से निकाल लीजिए और डॉल्पर के अंदर इसको गिरा दीजिए, अच्छे से झाड़ लीजिए और इसको फिर घुमाइए, फिर और डॉल्पर निकलेगा। और इसके बाद कपड़े से इस तरह खड़ी करके घुमाएंगे तो आपको सारा डॉल्पर नीचे कपड़े से भी ला सकते हैं, उंगली से भी ला सकते हैं। जब अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो एक बार जब आप बिल्कुल साफ़ कर लेंगे इसको तो हाथ मैगरूल जो है इसका मैगरूल पे हाथ लगा के देखना है आपको, इस तरह से कि मैगरूल पर कोई चीज़ उखड़ी हुई तो नहीं है, जिसके कारण आपके ड्रम डैमेज हो जाते हैं बहुत सी बार। आगे भी पॉज करते थे, यदि आपके इस टीपी के अंदर कोई लाइन आ जाती है, इस तरह से लाइन खिंची हुई नज़र आती है तो आपको किस तरह से इसको साफ़ करना है। पहले प्रॉपर साफ़ करके स्कॉच ब्राइट लेना है, स्कॉच ब्राइट कंपनी का ही लेना क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और ठीक होता है। इस तरह से करके हल्के हल्के हाथ से इसको साफ कर, इस तरह से मारना है और फिर आप उसके बाद उंगली लगा के देखना है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई चीज़ उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे आप हाथ लगाएंगे पता चलेगा कि कोई चीज़ उखड़ी हुई नहीं हो ऊपर की साइड। बस उसके बाद अब ब्लेड लगाना है, ब्लेड कैसे लगाना है वो भी बताते हैं हम आपको।